हेलो दोस्तों, निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस गिरते हुए मार्केट को संभालने के लिए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा पोजीशन लिया है दोस्तों, मतलब बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके वजह से एक मार्केट में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मतलब अपर सर्किट आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या न्यूज़ है दोस्तों, वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हो सकता है दोस्तों ये न्यूज़ के कारण आपको बहुत बड़ी मतलब कि आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जब भी गिरना स्टार्ट होता है दोस्तों, मार्केट में जब भी मतलब गिरावट आती है, तो मार्केट को दोस्तों ऊपर ले जाने के लिए मतलब बाउंस बैक के लिए दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है दोस्तों कि आपको रेट कट कर दिया जाता है, ठीक है। आपने बहुत जगह पर या कभी कभी ऐसा भी सुना होगा दोस्तों, जब रेट कट कर दिया जाता है तो मार्केट में आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मिलता है मार्केट को। लेकिन दोस्तों, अगर रेट कट करने से अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो दूसरा क्या तरीका है दोस्तों? हाँ, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आरबीआई क्या करेगा दोस्तों, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स खरीद लेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब होता है दोस्तों सिक्योरिटीज, ठीक है दोस्तों। और बॉन्ड्स खरीदने के बाद क्या होगा दोस्तों, मार्केट में पैसा आ जाएगा, और जब मार्केट में पैसा आ जाएगा तो मार्केट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जिससे आपको अपर सर्किट जाने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय मतलब इस टाइम में कोई भी देख के बोल सकता है कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में है, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसके वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, मार्केट में गिरावट ही गिरावट आ सकता है। इसीलिए आरबीआई ने इस टाइम में एक बहुत बहुत बड़ी मतलब कि कदम उठाया है। अगर दोस्तों अभी कोरोना वायरस नहीं रहता, अगर ये कदम उठा लिया जाता जो मैं आपको अभी न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मार्केट में इतनी लंबी तेज़ी देखी जाती है, आपको मतलब बहुत बड़ा रिलीफ मिलता, लोग आसानी से पैसा बनाते, मतलब डबल कर लेते पैसा अपना, 60% 70% डबल भी कर लेते अपना पैसा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो दोस्तों रेट कट कर सकते हैं, ठीक है, रेट कट कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, बॉन्ड खरीद सकते हैं, वो भी ओपन मार्केट से, ठीक है। ओपन मार्केट में जब बॉन्ड खरीदेंगे तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, आरबीआई अगर कोई कदम उठाता है, ठीक है, अगर कोई भी कदम उठाता है तो वो क्या चाहेगा कि मार्केट डूब जाए, मतलब कि मार्केट किसी तरह से डूब जाए या ख़राब हो जाए, जो भी इन्वेस्टर को कुछ भी हो जाए, ऐसा तो नहीं करेगा दोस्तों। आरबीआई अगर कोई भी कदम उठाता है तो दोस्तों मार्केट को क्या सपोर्ट देने के लिए, अपर सर्किट जाने के लिए, ताकि लोग सेफ रहें, इन्वेस्टर सेफ रहें और मार्केट चलता रहे, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो न्यूज़ में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई अनाउंस, ठीक है, फ्रेश परचेस ऑफ 30,000 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू बूस्ट लिक्विडिटी। मतलब कि दोस्तों लिक्विडिटी क्या होता है, देखो हमारे पास जो कैश है, हम कैश को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, वेदर इट इज़ असेट और कुछ भी फूड आइटम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट में कैश जनरेट करना। मार्केट में जब ये कैश जनरेट करना चाहता है, वो भी कितना बड़ा अमाउंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत 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 बड़ा अमाउंट है दोस्तों। ये हाईली, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर कोरोना वायरस नहीं रहता, अगर ये ऐसे कर देता दोस्तों, आरबीआई ये जो है अनाउंस कर देता, उस टाइम तो मैं बोल रहा हूं लोग बहुत बहुत बड़ा पैसा बना लेते, अच्छा खासा जो है पैसा बना लेते, वो भी कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा जो है अमाउंट लिक्विडिटी के लिए मार्केट में ये किया जा रहा है, ठीक है। और नीचे आप न्यूज देख लोगे तो उस टाइम तो दोस्तों आप खुशी से मतलब कि उछलने लगोगे। तो ये किस लिए किया जा रहा है वो भी बता देता हूं, तो मैं चाहूँगा कि इसको दो मिनट में ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बताया जा रहा है द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन फ्राइडे अनाउंस एडिशनल परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 30 करोड़, ठीक है, वर्थ 30 करोड़ दोस्तों, ठीक है। तो आरबीआई क्या करना चाहता है दोस्तों, एडिशनल क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदना चाहते हैं, वो उसका जो वर्थ है वो 30 करोड़ के आसपास है, ठीक है, ठीक है। और कब खरीदना चाहता है दोस्तों 30 करोड़ का, ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट में खरीदना चाहता है इंटरेस्ट में। और किस लिए खरीदना चाहते हैं भाई, ये सुन के तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर देख लो, टू बूस्ट लिक्विडिटी एंड द इनहेंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कि दोस्तों जो इन्वेस्टर हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये लाइन जो है, दो लाइन को आपको फोकस करना है भाई, सही से नहीं हो रहा, यहां पर आप ये दो लाइन को कर लो फोकस, ठीक है, इतना ही, यहाँ से प्लीज़ ये फोकस करके, ये बहुत बहुत बड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है टू बूस्ट, यहाँ पर देख लीजिए, टू बूस्ट लिक्विडिटी एंड द इनहेंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मतलब कि दोस्तों जब लिक्विडिटी को बूस्ट किया जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, कॉन्फिडेंस किसका इंक्रीज होगा दोस्तों, इन्वेस्टर का, क्योंकि इन्वेस्टर को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए मार्केट में ऐसा होता है तो आपको अच्छा खासा बाउंस देखा जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही होगा, मैं ये बोल रहा हूँ जो न्यूज़ आया है और जो आरबीआई कर
करना चाहता है, ये दोस्तों मार्केट को स्टेबल करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जो लॉक कर दिए गए हैं, ठीक है, अभी मतलब पूरा लॉक कर दिए हैं, काम खत्म है, ठीक है। अगर लॉक करने से पहले की बात कर लेते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनको बंद कर दिया गया था, तो पहले कुछ स्टेट को बंद किया गया था, अब तो लॉक ही कर दिया जा रहा है, और अभी जितने भी रेलवे सिस्टम है सब बंद कर दिया जा रहा है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अगर ये सब बंद रहा तो इकोनॉमिक जो है दोस्तों, अर्थ जो इकोनॉमिक है इंडिया का, वो बहुत ख़राब हो जाएगा, और मार्केट में आपको बेधड़क दोस्तों गिरावट ही गिरावट देखने को मिलेगी, बेधड़क गिरावट ही गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए आरबीआई ने ऐसा डिसीजन लिया है ताकि मार्केट को बूस्ट दूं और जितने भी इन्वेस्टर हैं वो भड़के ना, वो भी अपना पैसा किसी भी तरह धीरे धीरे जो है अपना पैसे को स्टेबल रखे, ताकि जब मार्केट सही हो जाएगा तो वो भी अपना पैसा बना लें। और बॉन्ड्स का दोस्तों नीलामी कम होगा, कब होगा नीलामी वो भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है द ऑप्शन वुड बी द, यहाँ पर देख सकते हैं बता रहा है, एक मिनट भाई कुछ प्रॉब्लम है कंडक्टेड, ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है दोस्तों, द ऑप्शन वुड बी कंडक्टेड ऑन द मार्च 24, 2020 एंड द मार्च 30, 2030, ठीक है। तो दोस्तों मार्च 24 और 30 के बीच में जो है ये बॉन्ड्स का नीलामी होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं द आरबीआई नोटिफाई, तो भाई आरबीआई की तरफ से ये नोटिफाई किया गया है कि ये जो दो डेट बताया गया है इस डेट के अंदर आपको जो है नोटिफाई कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर आपको रीज़न भी बता दिया गया है कि ओपन मार्केट में बॉन्ड्स को क्यों खरीदा जाएगा, टू इनहेंस, यहाँ पर देख सकते हो, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे अगर मार्केट को बूस्ट मिलता है तो आपको अच्छा से अच्छा जो है मार्केट अगर बूस्ट होता है तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत रिलीफ मिले, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज था तो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको न्यूज अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर इंक्रेज कीजिए, और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें तो भाई लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।